to all of you, you are welcome. Online class, Sardar Patel Inter College, Jharoli, Phase 2, Kanpur. Class 10, Social Science, Topic, Agriculture. कृषि मेजर क्रॉप्स भारत की फसलें हैं. इंडिया प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर. दीज क्रॉप्स कैन बी ग्रुप्ड एज फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप. Cereals and millets, pulses, fruits and vegetables. बच्चों इसमें हम आपको खाद्य फसलों के बारे में आपको नॉलेज कराएंगे. Food crops include rice, wheat, coarse grain and pulses. Rice and wheats are the major cereals and food crops in order of their importance. सबसे पहले जो ओवरऑल वर्ल्ड की जो प्रमुख खाद्य फसल है राइस एंड व्हीट गेहूं. इट इज द मेजर सेल्स दैट फॉर्म्स द स्टेपल डाइट ऑफ मिलियंस. इंडिया इज द सेकेंड लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ल्ड में जो चावल का सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है वो चीन करता है और चीन के बाद सेकेंड पोजिशन पर इंडिया आता है. एरिया राइस इज ग्रोन इन डेल्टा रीजन्स गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी एंड सुंदरवंस रिवर बैंक्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट्स. एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट इज द ग्रोन एज इरिगेटेड क्रॉप इन पंजाब एंड हरियाणा. जैसा कि आपको मालूम है कि चूंकि राइस हमारी खरीफ की क्रॉप्स है जिसको बहुत अधिक वाटर की आवश्यकता होती है. लगभग 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस और ये ओवरऑल संपूर्ण इंडिया पर इसकी ग्रोथ होती है. खासकर जो हमारे सी से लगे हुए एरिया हैं और मिडिल में जहाँ पर इरिगेशन की व्यवस्था है सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर ये राइस की क्रॉप की जाती है. इंपॉर्टेंट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल. जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में थ्रू आउट संपूर्ण वर्ष राइस की क्रॉप की जाती है. इसके अलावा इंडिया के अन्य जो स्टेट्स हैं वहां पर केवल वर्षा के समय पर ही राइस की फसल की जाती है लेकिन वेस्ट बंगाल में थ्रू आउट ऑल ओवर ईयर्स में ये क्रॉप्स की जाती है. इसलिए भारत में प्रथम नंबर पर राइस का जो प्रोडक्शन करने वाला स्टेट्स है वो वेस्ट बंगाल है. वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु केरला महाराष्ट्र कोंकण कोस्ट. द क्रॉप्स ऑफ राइस अमन बरो एंड हार्वेस्टेड इन द ईयर इन आसाम वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा रेस्पेक्टिवली. जियोग्राफिकल फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस. भौगोलिक दशाएं क्या हैं चावल उत्पन्न करने के लिए तो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स उष्ण और गर्म जलवायु यानी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी इसके लिए आवश्यक होती है. टेम्परेचर शुड बी अबव लगभग जैसा कि आपको मालूम है कि राइस की जो क्रॉप की जाती है
वो जुलाई और अगस्त के मंथ में की जाती है, और उस समय जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस के करीबन इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर होता है। हाई ह्यूमिडिटी एंड एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर तक इसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इरिगेशन इज द मस्ट इन एरिया ऑफ लेस रेनफॉल, जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर पानी की आवश्यकता होती है। इट ग्रोज वेल इन क्ले सोयल विद कैन होल्ड वाटर, और इसके लिए जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें पानी सूखने की क्षमता कम होती है और लंबे समय तक इस पर पानी रह सके। राइस इज ग्रोन फर्स्ट इन नर्सरीज एंड लेटर ट्रांसप्लांटेड इन फ्लडेड फील्ड्स। इट इज ए लेबर टेनिंग क्रॉप। पंजाब एंड हरियाणा आर राइस सरप्लस स्टेट्स। राइस इज ग्रोन देयर एज इरिगेटेड क्रॉप। सेकेंड जो क्रॉप आती है वो आपकी आती है व्हीट, गेहूं। गेहूं वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर जो कंट्री आता है वो आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और व्हीट प्रोडक्शन में भारत का जो स्थान है वो 6 नंबर पर है। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप। फूड क्रॉप्स पार्टिकुलरली ऑफ द पीपुल ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इट इज द मेजर रबी क्रॉप। गेहूं सर्दी की फसल है यानी रबी की फसल है। एरियाज मेजर वीट ग्रोइंग बेल्ट्स आर गंगा, सतलज प्लेन्स इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नॉर्थर्न राजस्थान, ब्लैक सोयल रीजन ऑफ डेक्कन। जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हीट भी, यानी गेहूं उत्पादन के लिए जो उपयुक्त भौगोलिक दशाएं होती हैं इसके लिए कूल एंड मैश क्लाइमेट्स, नम जलवायु की आवश्यकता होती है, और जो तापमान या टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग टेम्परेचर, और कटाई के समय का जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस एंड ब्राइट सनशाइन्स शुड बी प्रोवाइडेड। लूमी एल्वियल सोयल, यानी जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त होती है वीट की फसल के लिए। वेल ड्रेन टाइमली एप्लीकेशन ऑफ फर्टाइल एज ए मस्ट। Thanks.